इंटरनेशनल सट्टा बेटिंग नो पर्दाफाश थयो छे। अलग अलग देश नी स्पोर्ट्स नी इवेंट पर सट्टो रमवा बोकस दस्तावेज उपयोग करनार सूरत ना चार झड़पाया छे। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ऊपर रमाता ऑनलाइन सट्टा बेटिंग गैरकायदेसर आर्थिक ट्रांजेक्शन नेटवर्क नो सूरत इकोसेल द्वारा पर्दाफाश करी डिंडोली राजमहल शॉपिंग सेंटर नी त्रण दुकान मां दरोडा पारी अलग अलग बैंक नी 47 पासबुक 74 सीम कार्ड 53 डेबिट कार्ड 38 आधार कार्ड 5 मोबाइल फोन अने लैपटॉप वगैरे साथे त्रण नी धरपकड़ करी कायदेसर नी कार्यवाही हाथ धरी छे। हार्दिक अने ऋषिकेशथी पूछपरछना आधारे पोलीस टीमे हुजेपा मक्सरवाड़ाने दबोच्यो हतो। हुजेपानी पूछपरछमां युक्रेनना एनआरआई किसन द्वारा જે સૂચના આપવામાં આવતી હતી તેના તમામ ડેટા મોબાઈલ અને લેપટોપ અને તે ઘરે હોવાની કબૂલાત કરી હતી, જેથી પોલીસ ટીમે હુજેફાના ઘરે પહોંચે તે પહેલા તેના ભાઈ હુસેન મક્સરવાળાએ મોબાઈલ અને લેપટોપને ફોર્મેટ કરી દીધું હતું, જેથી પોલીસે અવગઢમાં મુકાઈ છે અને બેંક પાસે સમગ્ર ડિટેલ માંગવામાં આવી છે। ઇકોસેલની પ્રાથમિક તપાસમાં હુજેફા મક્સરવાળાના મોબાઈલ ફોન ચેક કરતા વોટ્સઅપ વર્કગ્રુપ ટ્રેડ ટીમ એસટી ઓરેન્જ DW01-2 તથા વર્કગ્રુપ તથા તેમાં જ નામના ગ્રુપ ટેલિગ્રામ એપ્લિકેશનમાં મળી આવ્યા હતા, જેમાં કિશન પ્લેટિનમ અમિત અને હરીશ નામની વ્યક્તિના વિદેશી નંબરોના આર્થિક વ્યવહારો અંગેની ચેટ હિસ્ટ્રી તથા વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ થકી કરવામાં આવેલા વિદેશી કોલની માહિતી મળી આવી હતી। ઉપરાંત અમિત યુક્રેન દ્વારા મોકલવામાં આવેલી લિંક મળી હતી, જેમાં CBTF T20ના અલગ અલગ કોષ્ટક હતા અને તે ઓપન કરાતાની સાથે જ એક્સેલ શીટમાં એકાઉન્ટ ધારકનું નામ, આઈડી, IFSC કોડ સહિતની માહિતી આવી હતી। બડે તોર પે નુકસાન પહોંચે ઇસ તરહ સે એક નેટવર્ક ચલ રહા થા જિસકી ઇન્ફોર્મેશન હમે મિલી, જિસકે આધાર પે સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કી ઇકોનોમિક ઓફેન્સ સેલ ને SOG કો સાથ રખ કે એક ઓપરેશન કિયા और उसमें चार अपराधियों को अभी तक पकड़ा गया है। एक अपराधी है हरीश उर्फे कमलेश जरीवाला, दूसरा है ऋषिकेश शिंदे, तीसरा है हुफेजा कौसर मकासरवाला और चौथा है राजशाह। ये सभी लोग डिंडोली राजमहल मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे 119 नंबर की दुकान में बैठकर अलग अलग व्यक्तियों के डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लेके उनके नाम पे बैंक अकाउंट शुरू कराते थे, सिम कार्ड भी लेते थे। उस सिम कार्ड की ज़रूरत बैंक अकाउंट खुलाने के लिए पड़ती थी, तो गलत दस्तावेज़ों के आधार पे सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से गुमाश्ता धारा का लाइसेंस लिया जाता था, सिम कार्ड लिया जाता था, बैंक अकाउंट खुलवाए जाते थे और ये दोनों व्यक्ति हरीश कमलेश जरीवाला तथा ऋषिकेश शिंदे ये दोनों एक बैंक अकाउंट और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसका 40,000 रुपया हुफेजा कौसर इनको देता था। हुफेजा कौसर की भी अरेस्ट की गई है, एक और व्यक्ति है राजशाह उसको भी पकड़ा गया है। हुफेजा कौसर इन बैंक अकाउंट्स को हार्दिक मेहता और उसके आदमियों की टीम को देता था। हार्दिक मेहता अहमदाबाद से ऑपरेट करता था, उसकी अभी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बाकी और भी 8 से 9 व्यक्तियों के नाम अभी तक जानने को मिले हैं जो इस नेटवर्क को चलाने में आपराधिक भूमिका अदा कर रहे थे, उन सभी को पकड़ा जाएगा। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जिसमें T20 क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, लॉन टेनिस, कैसीनो, इन सभी पे गेमिंग साइट्स बैटिंग साइट्स चला के उसकी हार जीत का पैसा इन अकाउंट्स में ट्रांजैक्ट किया जाता था। एकमात्र IDBI बैंक के ही जितने अकाउंट्स मिले हैं उनमें 1,217 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन अभी तक होने को हमारे ध्यान पे आई हैं। IDBI बैंक के 3 अकाउंट हैं जिनमें 1,217 करोड़ 80,38,108 रुपए की ट्रांजैक्शन अभी तक ध्यान पर आई हैं। ये सभी भारतीय इकोनॉमिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी है। इसमें
जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितनी गतिविधियां, सभी आपराधिक हैं। इसके लिए अभी कंसर्न सभी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जाएगा और हमारी टीम्स इसमें जो जो लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध में कायदे के मुताबिक एक्शन लेंगे।